नमस्कार, ऋतम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 20 अक्टूबर को भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का शुभारंभ किया। यह भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन है जिसे नमो भारत नाम रखा गया है। पहले चरण में नमो भारत को साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। वहीं नमो भारत ट्रेन 2025 तक दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मधेपुरम स्टेशन के बीच पूरी तरह से चलने लगेगी। बीते 21 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जारी कार्यक्रम संवाद के माध्यम से शांति में विवादों के रोकथाम और शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के योगदान पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकताओं को दोहराते हुए दो टूक कहा। रुचिरा ने कहा कि दुनिया वैश्विक संगठन के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने में असमर्थ है, क्योंकि इसकी मुख्य संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अप्रभावी बना दिया है। कंबोज ने आगे कहा कि जब तक हम व्यापक सुधार नहीं करते और इस सदन को व्यवस्थित नहीं करते, तब तक हमें विश्वसनीयता के संकट का सामना करते रहना पड़ेगा। बीते शनिवार को भारत ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर अंतरिक्ष जगत में एक बार फिर इतिहास रच दिया। वहीं इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे गगनयान TV-D1 मिशन के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमने इस लॉन्चिंग के साथ एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस मिशन का उद्देश्य क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना है। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी TMC सांसद महुआ मोइत्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। 19 अक्टूबर को व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी ने खुद एक शपथ पत्र पर कबूल किया कि महुआ पर लगे सारे आरोप बिल्कुल सच है। हीरा नंदानी के अनुसार महुआ मोइत्रा ने ही अपने संसद अकाउंट का लॉग इन पासवर्ड शेयर किया था। हीरा नंदानी ने अपने शपथ पत्र में आगे कहा कि मैंने अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे थे। हीरा नंदानी ने बताया कि महुआ मोइत्रा राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने अडानी को टारगेट किया। इस मामले में हीरा नंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। भारत कनाडा विवाद के बीच कनाडा के 41 राजनयिकों के भारत से जाने को लेकर कनाडा के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीते 20 अक्टूबर को बयान जारी कर बताया कि हमने कनाडा सरकार के राजनयिकों को लेकर दिया गया बयान देखा। वहीं इस मामले को लेकर अरिंदम ने आगे कहा कि कनाडा के डिप्लोमेट भारत में ज्यादा है और वो हमारे आंतरिक मामलों में निरंतर दखल देते हैं। अरिंदम ने कहा कि नई दिल्ली और ओटावा पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता की गारंटी है और हम इसको लेकर पिछले महीने से कनाडाई पक्ष से बात कर रहे हैं। इस समानता को लागू करने को लेकर हमारा कदम सही है। हमने जो किया वो वियना कॉन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के तहत है। आगे अरिंदम ने कहा कि ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के उल्लंघन के रूप में इसे चित्रित करने के किसी भी प्रयास को भारत अस्वीकार करता है। बीते 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की CJI जस्टिस DY चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसले में कहा कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है और कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बेंच ने साफ कर दिया कि यह मामला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में ही रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने बीते 18 अक्टूबर को मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल में स्कूली छात्रों के लिए क्विज, पहेलियां जैसी गतिविधियां आधारित सहायक सामग्री उपलब्ध है। वहीं इसका उद्देश्य छात्रों को चंद्रयान 3 से जुड़े तथ्यों की जानकारी देना है। बीते 18 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल पहुंचे। जो बाइडन ने PM नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमास ने ऐसा भयावह काम किया है कि वह अब ISIS के तरह ही दिखने लगा है। वहीं इसके एक दिन बाद ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक भी इजराइल के तेल अवीव पहुंचे और उन्होंने इजरायली PM के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता की और कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप खुद की सुरक्षा के लिए और हमास के पीछे जाने को लेकर इजराइल के साथ खड़े हैं। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर ब्रिटिश इजराइल के साथ है। वहीं इस दौरान इजरायली PM ने हमास के साथ युद्ध में समर्थन देने को लेकर ऋषि सुनक को धन्यवाद दिया।
बीते 18 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वरा विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वह इस दौरान अब्दुल्ला आजम चुनावी फॉर्म में उम्र को लेकर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में बीते 19 अक्टूबर को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की डी के शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अदालत की तरफ से सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने हटा दिया है। नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सैंथिल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल 19 अक्टूबर को मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री वी सैंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जयचंद्रन ने मंत्री वी सैंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता यानी मंत्री वी सैंथिल का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बीते 19 अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 497 करोड़ की लागत की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुख्ता व्यवस्था किए हैं। हर व्यक्ति को राशन मिले, पढ़ाई के साथ साथ सफाई की व्यवस्था हो सके और कमाई के साथ साथ उत्तम व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि देश में बिना भेदभाव के विकास कार्य जारी है, अब नया भारत बन रहा है। विपक्षी एकता के नाम पर बना इंडी अलायंस में अब आपसी कलह शुरू हो गई है। दरअसल बीते 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस द्वारा एक भी सीट न देने पर उसे धोखेबाज पार्टी बताया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीट देने का वादा करके मुकर गई है और तब जाकर उन्हें अपने प्रत्याशी उतारने पड़े। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के खिलाफ बयानबाजी बंद करवाए। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीते शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को फिर सपा पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का वोटर कांग्रेस को जानता है, ना कि समाजवादी पार्टी को। अजय राय ने आगे कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां प्रत्याशी उतार कर इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बीते सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार खाने पीने के सामानों के दाम में गिरावट के बीच सितंबर महीने में भारत की थोक महंगाई दर -0.26% दर्ज की गई। यह लगातार छठा महीना था जब थोक महंगाई शून्य से नीचे रही। इससे पहले अगस्त में थोक महंगाई -0.52% थी, वहीं जुलाई में यह -1.36% थी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लियो के शानदार प्रदर्शन ने फिल्म जवान की कमाई के रिकॉर्ड को चूर चूर कर दिया है। तलापति विजय की फिल्म ने अपने पहले दिन यानी बीते 19 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड करीब 145 करोड़ का कलेक्शन कर इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। सैकनेल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म लियो ने जवान के पहले दिन की 129.01 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अलावा आदि पुरुष के पहले दिन की वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि दूसरे दिन भी इस फिल्म ने घरेलू स्तर पर 68 करोड़ का शानदार कारोबार किया।